कुंडली भाग्य। ये शोलिन का नेकलेस है, लेकिन ये नेकलेस यहाँ पृथ्वी जी की कार में कैसे आया? अगर तुम्हें मेरी दोस्ती पे थोड़ा भी भरोसा ना, मुझ पर भरोसा, तो गिव मी अ चांस समटाइम। मैं प्रूफ कर दूंगा कि पृथ्वी और शोलिन के बीच में कुछ चल रहा है। और प्लीज ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे कि तुम्हें ये नेकलेस पृथ्वी की कार में से मिला। ओके, जस्ट गिव मी सम टाइम। शोलिन, तुम्हारा नेकलेस? ये तुम्हें कहां से मिला? ये प्रीता के पास था। मैं जानती थी कि प्रीता इतना घटिया काम कर सकती है, और उसी से मुझे परेशान करने के लिए। वो एक्चुअली शरा प्रीता, तुम जैसी मिडिल क्लास लड़की, तुमने इतना यूनिक और एक्सपेंसिव नेकलेस कभी अपनी लाइफ में देखा नहीं होगा, तो सोचा चोरी कर लेती हूँ उसे। तुम ये सब इसलिए कह रहे हो क्योंकि प्रीता तुम्हारी दोस्त है? करेक्शन, सिर्फ दोस्त नहीं, सच्ची दोस्त है। खैर इन सब बातों को छोड़ो, मुझे बताओ कि ये नेकलेस पृथ्वी की कार में क्या कर रहा था? मैं यहां पर इसलिए बुलाया गया क्योंकि हमारे पास कुछ सवाल हैं जिनके जवाब नहीं, उनके जवाब शायद तुम्हारे पास है। तुम्हारा कुछ रिश्ता है? कुछ रिश्ता हर बार मुझे प्रूव करना पड़ता है कि मैं बेकसूर हूं, आप प्लीज मुझ पर विश्वास कीजिए। तो आप फॉर वंस एंड फॉर ऑल सोचकर डिसाइड करके मुझे आप बता दीजिए कि आपको मुझसे शादी करनी है या नहीं, या नहीं, या नहीं। कल बहुत शुभ दिन है, 25 साल पहले मैं राखी पुत्र को इस घर में बहू बनाकर लाई थी। पृथ्वी कल जरूर आना। ऑफ कोर्स आऊंगा। आपको नहीं लगता कि हमें प्रीता को भी इनवाइट करना चाहिए? मैंने करण और ऋषभ को इनविटेशन दिया नहीं ना, तो प्रीता को भी कैसे दूंगी? जैसे मैं उनकी दादी हूँ वैसे प्रीता की दादी हूँ। मुझे करण सर की बात पे पूरा यकीन है, मुझे कई बार लगा कि इन दोनों के बीच में डेफिनेटली कुछ चल रहा है। करण सर, मैं बता रही हूँ। सृष्टि, अब तू भी शुरू हो गई, प्लीज तू अपनी बकवास ना तेरे पास ही रख। हेलो, वो कोई बकवास नहीं कर रही। ओके, तुमसे कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट है वो, कहीं ज्यादा समझदार है तुमसे। ओके, तुमने तो कसम खा रखी है कि तुम पृथ्वी का सच सुनना ही नहीं चाहती हो। समाज का डर, रीति रिवाज का डर, रिश्ता टूट जाने का डर, पता नहीं कितने डर है तुम्हारे दिमाग में कि तुम पृथ्वी का सच देखना ही नहीं चाहती हो। यार क्या मेरी और अक्षय जी की शादीशुदा जिंदगी भी इन दोनों की तरह होगी, या फिर मैंने भी किसी को ऐसे ही पसंद किया था। कभी कभी सोचता हूं अगर शोलिन से वाकई शादी हो गई तो क्या मैं वो खुशी महसूस कर पाऊंगा जो डैड मॉम के लिए 25 साल से कर रहे हैं। ऐसा कौन सा जादू चला दिया तुमने करण पे? तभी तो उसको लगता है कि पृथ्वी जी तुम्हारे लिए सही नहीं है। वैसे मुझे भी पृथ्वी जी ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन तुमसे तो लाख गुना ज्यादा अच्छे। तुम जैसी औरत जो इतने अच्छे इंसान पर बार बार इल्जाम लगाती रहती है। याद है तुम्हारी सगाई के दिन तुम्हारे दोनों दोस्त ऋषभ जी और करण पृथ्वी जी को जब गलत साबित करने की कोशिश कर रहे थे तब भी चुप थी, तुमने कुछ नहीं कहा, तो भी पृथ्वी जी ने तुम्हें माफ कर दिया। खैर वो तुम्हारे होने वाले पति हैं, तुम्हें माफ कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। तुम जो मेरे कैरेक्टर को खराब करने की कोशिश करती रहती हो ना, मैं उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत में होगी पिता, क्योंकि शोलिन खुराना तुम्हें बख्शेगी नहीं।
रिमेम्बर तुमने प्रॉमिस किया था एक अच्छी बहू की तरह इस पूरी पार्टी को तुम ऑर्गेनाइज करोगी। इट्स अ लूथरास पार्टी, किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। ओके बिल्कुल नहीं होगी आंटी, और आप बिल्कुल भी स्ट्रेस मत कीजिए, मैं इस घर को इतनी अच्छी तरीके से डेकोरेट करूंगी दैट यू विल बी प्राउड ऑफ मी। आप जाइए ना, तैयार हो जाइए। ओके सी यू। यहाँ खड़ी खड़ी टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो? उसकी पेमेंट मिलती है तुम्हें। गेट बैक टू वर्क। ओके मैम। सुनो वो फ्लावर्स वहां से हटा दो। सिस्टी मैडम ने तो बोला यहाँ पे लगाने को। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। ओह हेलो एक्सक्यूज मी, हुई नहीं हो, होने वाली हो, और होगी भी या नहीं ये बात की बात है। एक्सक्यूज मी, इट्स नॉट योर कंसर्न, और जिस तरीके से मुझसे बात कर रही हो ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सृष्टि ये क्या तरीका है बात करने का यार, कम ऑन। सो सॉरी शोलिन, रियली। वैसे डोंट माइंड, सृष्टि ने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? आई मीन तुम्हारी शादी अभी तक हुई नहीं है राइट? नहीं हुई है राइट? तो चिढ़ क्यों रही हो? रिलैक्स, चिल, ब्रीथ। ओह लगता है करण सर मेरी हेल्प चाहते हैं शोलिन के फोन को लेकर। और एक अच्छा हाथ छोड़ो, क्या हुआ, क्या करण क्या है? क्या मुझे नहीं पता कि करण को मुझसे किस बात की प्रॉब्लम है। मतलब तुम फिर गोल गोल बात घुमा रही हो, सीधी सीधी बात बताओ ना कि बात क्या है, हुआ क्या? बोलो गोल गोल क्यों घुमा रही हो, बात क्या है? ठीक है तो सीधे सीधे बात करती हूँ। मुझे लगता है कि करण मुझे लाइक नहीं करता, इनफैक्ट मुझसे नफरत करता है। ये प्लान तुम्हारा है जब मेरी छोटी बहन सृष्टि का, क्योंकि इसके दिमाग में तो अकल के नाम पर दो तीन फिल्मी जुगनू जगते हैं, बाकी तो सब अंधेरा ही है। प्लान मेरा है। अगर तुम मेरी भलाई चाहते हो और अपनी खैरियत चाहते हो तो ये प्लान अभी के अभी कैंसिल कर दो, दोनों के दोनों। इधर आओ। क्या? आओ तो सही। मर गए? क्या हुआ? हुआ नहीं, होगा। अरे आपके साथ दिखेगी तो डांटेगी। अरे क्यों डांटेंगी? क्योंकि मैंने स्ट्रेंजर को किस किया है। चलो जल्दी छुपो यहाँ से। टेंशन क्यों ले रही हो? मैं तुम्हारी मामा को नहीं बताऊंगा तुमने मुझे किस किया, बल्कि मैं तुम्हारी मामा को ये बताऊंगा कि तुम कितनी स्वीट हो। खाना बनाने में जो जादू है ना वो बॉक्सिंग में नहीं, मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। वो भी चीटिंग करके बनाता होगा। मतलब तुम्हें यकीन नहीं है ना? तू बातें बहुत बनाता है, इस बात का मुझे तुझ पे पूरा यकीन है, लेकिन खाना तो बनाता है इस बात का कोई यकीन है? लो अब तो लग गई शर्त, अब तो मैं दिखाता हूँ अपने हाथों का कमाल। जैसे हम यहाँ साथ हैं, मैं चाहता हूँ कि हम हमेशा साथ रहें। ये गिफ्ट मुझे बहुत पसंद है, I love it। अच्छा एक बात और है। क्या? मेरी लाइट जलती है। अर्जुन ये कोई साइन तो नहीं है कि कुछ बुरा होने वाला है? जाओ जल्दी से इंस्पेक्टर साहब को बुला के लेके आओ। अरे उठो उठो उठो, क्या हुआ? क्या हुआ अभी? सर इसको दर्द हो रहा है। अजीब मुसीबत है, बाहर निकालो इसे। लगता है तूफान आने वाला है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। पूजा मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी तूफान छू नहीं सकता। किसके कहने पर तू यहाँ है? काम हुआ कि नहीं? रेपिस्ट का खानदान बचकर जाना नहीं चाहिए।